मुसलमानों की करतूत से इस्लाम पर सवाल, सारे फिरके काफिर तो मुसलमान कौन? साथियों माफ कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही कड़वी सच्चाई बताने जा रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग नाराज भी होंगे, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले कहा माफ कीजिए, हकीकत यही है। चीन ने आर्टिफिशियल सूरज बनाया, अब सोच रहा है आर्टिफिशियल स्पेस कैसे बनाया जाए। जर्मनी सोच रहा है बुलेट ट्रेन चांद और मंगल ग्रह तक कैसे चलाई जाए। जापान सोच रहा है सब कुछ बना दिया, अब कौन सी नई तकनीक ईजाद की जाए। तुर्की सोच रहा है दोबारा सल्तनतें उस्मानिया कैसे कायम की जाए। रूस सोच रहा है यूक्रेन पर कब्जा कैसे किया जाए, सुपर पावर कैसे बना जाए। इसराइल सोच रहा है बैतुल मुकद्दस गजा को कैसे हड़प लिया जाए। अमेरिका सोच रहा है एडवांस्ड और मॉडर्न हथियार कैसे बेचे जाए। फिलिस्तीनी सोच रहे हैं मस्जिद अल अक्सा, गजा, इस्लाम और तहजीब कैसे बचाई जाए। और इन सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम, भारत के 80% मुसलमान सोच रहे हैं नारा कौन सा लगाया जाए, फातिहा कैसे पढ़ी जाए, दूसरे फिरके को जलील कैसे किया जाए, दूसरे मुसलमान को कैसे डुबोया जाए, कौन से आलिम मुफ्ती को कौन सी और कैसे गाली दी जाए, कौन से मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, कौन सी में नहीं, वगैरह वगैरह। तो बताओ हम पर जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं होगा तो क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आएगी? हमारी मॉब लिंचिंग नहीं होगी तो क्या लोग घोड़ी पर बैठाकर बारात निकाली जाएगी? CAA लाकर भगाया नहीं जाएगा तो क्या दामाद बनाकर रखा जाएगा? जिस दौर में मुसलमानों को इकट्ठा होने की जरूरत है, जिस दौर में हर तरफ से मुसलमानों पर हमले, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस दौर में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के बॉयकॉट किए जा रहे हैं, उस दौर में मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं, आपस में भिड़कर इस्लाम का तमाशा बना रहे हैं, जमाते तंजीमें फिरके सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बंट गए हैं, हर कोई खुद को दूसरे से ताकतवर बताने की कोशिश में लगा हुआ है जो फिरौन की सुन्नत है। मस्जिदों में झगड़े, दरगाहों में झगड़े, मदरसों में झगड़े, कब्रिस्तानों में झगड़े, कमिटियों में झगड़े, गली मोहल्लों, शहरों में झगड़े, यहाँ तक कि मियां बीवी, बाप बेटों, रिश्तेदारों में झगड़े, लफड़े, कबाड़े। ऐसे में गोदी मीडिया को मसाला मिल जाता है और हफ्तों तक दुनिया के मुसलमानों को गरियाने के बदले करोड़ों रुपए कमाता है गोदी मीडिया। नफरत फैलाना वो अलग, ऐसे मौके कौन दे रहा है, किसने दिए है? बरेलवियों ने, चिश्तियों ने, वहाबियों ने, सूफियों ने। इसमें मुसलमानों का क्या कसूर? मुसलमान एक तमाशा बनकर रह गया है। दुनियावी सतह पर कुछ होता है तो कहते हैं यहूदियों की साजिश है, भारत में कुछ होता है तो कहते हैं RSS की साजिश है। पूछती है दुनिया अजमेर में किसकी साजिश थी जब बरेलवियों और चिश्तियों में लाद घूंसे चले। कई मस्जिदों, मदरसों और घरों में ऐसी वारदातें हर दिन कहीं ना कहीं से सामने आती ही रहती है। किसी ने आला हजरत को आइडियल बनाया हुआ है, किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आइडियल बनाया हुआ है, किसने सरवर मखदूम, किसी ने निजामुद्दीन को आइडियल बनाया हुआ है। और कुरान कहता है ऐ लोगो, हमने तुम्हारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और मॉडल बनाया हुआ है। मरने वाला भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, मारने वाला भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। इससे बड़ी बदकिस्मती, बदनसीबी, बदहाली, बेवकूफी, शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? इतना सब कुछ होने के बावजूद दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है, अगर सब सीधे रास्ते पर आ जाए तो क्या आलम होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। SD24 न्यूज को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्ला। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज SD24।